हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मॉडरेट्स लीडर्स के बारे में और उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द एक्सट्रीमिस्ट, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। किस तरीके से, देखिए स्टार्टिंग में जब कांग्रेस सरकार बनी थी, कांग्रेस सरकार नहीं बोलना चाहिए, कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, उस समय सिर्फ मॉडरेट लीडर्स ही थे और वो लोग सिंपल तरीके से ही सिर्फ मतलब वो लोग डिमांड्स रखते थे, सिंपल डिमांड्स रखते थे, इससे ज्यादा वो लोग मतलब करते नहीं थे और उसी पे ही मतलब पॉलिटिकली ही उस चीज को मनवाने की कोशिश करते थे फ्रॉम द ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो इंडिया में इनका इमर्ज हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अ न्यू क्लास ऑफ नेशनल लीडर्स इमर्ज इन इंडिया विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडरेट ग्रुप। तो ये एक न्यू क्लास थी नेशनल लीडर्स की जो कि टोटली डिफरेंट थे मॉडरेट ग्रुप से। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, शायद उससे आप ज्यादा अच्छे से समझ लो। मॉडरेट लीडर्स को बोला जाता था नरम दल के लोग, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट को बोला जाता था गरम दल के लोग। तो इससे ही आपको समझ में आ जाता होगा कि नरम दल दैट मीन्स कि बहुत ही सिंपल स्वभाव वाले, हाइपर नहीं होते थे, गुस्सा नहीं करते थे, सिंपल तरीके से हर चीज किया करते थे। एंड गरम दल के लोग, तो गरम दल के लोग गुस्से वाले ज्यादा होते थे, उनका जो भी इम्पैक्ट होता था वो बहुत ही स्ट्रांगली ब्रिटिशर्स के ऊपर पड़ता था और काफी अग्रेसिव हुआ करते थे वो लोग। ठीक है, अपनी डिमांड रखने में दे टूक अ मोर अग्रेसिव स्टैंस अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, और उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव तरीके से उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को नीचे करने की पूरी सोच रखी थी। दे वर टिपिकल यंगर एंड डिड नॉट बिलीव इन सॉफ्ट एंड परसुएसिव अप्रोच ऑफ मॉडरेट लीडर्स, और ये लोग टिपिकल जनरली यंगर्स ही होते थे इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के अंदर, और इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि ब्रिटिशर्स से जो भी डिमांड की जाए वो सिंपल और बहुत ही प्यार से हर चीज करवाई जाए। तो वो लोग मॉडरेट लीडर्स के जो तरीके होते थे उन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडिया नेशनलिज्म इज फ्रॉम 1905 टू 1916, और ये एक्सट्रीमिस्ट का जो फेज आया था वो आया था 1905 से 1906 तक के बीच में। द इम्पॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। नाउ अचीवमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, नेशनल मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट इवॉल्व होल ऑफ इंडिया। तो जो भी नेशनल मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट के थ्रू चलाए गए थे वो पूरे इंडिया में स्प्रेड हुए थे। ठीक है, इंडिया एज अ नेशन स्टेट वॉज बिगन टू टेक शेप, और इंडिया जो कि एक नेशन स्टेट था उसने धीरे धीरे एक शेप लेना शुरू करा। मीन्स उन लोगों ने एक चिंगारी डाल दी थी जो धीरे धीरे आग में तब्दील होती चली गई पूरे इंडिया में, क्योंकि उनको समझ में आने लगा था इंडिया में, क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो है वो आगे चीजें चल सकती है। ठीक है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट इंस्टिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, उन्होंने स्वदेशी चीजें को और जो भी उनसे मूवमेंट होता था उनको बायकॉट करना शुरू किया। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस बनने का पूरा के पूरा उन्होंने ये मुहिम जो थी वो शुरू करी थी। रिवाइव्ड मैनी नेशनल फेस्टिवल्स लाइक गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल, और जो भी हमारे नेशनल फेस्टिवल हुआ करते थे लाइक गणपति और शिवाजी, ये सारे फेस्टिवल्स उन्होंने और भी जोर शोर से बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि बीच में जब ये ब्रिटिश सरकार आई थी तब जितने भी हमारे फेस्टिवल्स थे वो बंद होना शुरू हो गए थे, तो इन्होंने वापस से उन फेस्टिवल्स को बनाने शुरू करे। क्लियर मैसेज फॉर स्वराज टू ब्रिटिश, और यही सारी चीजें थी जिस वजह से क्लियर मैसेज एक ब्रिटिशर्स को चला गया था कि उन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए। रिवाइव कॉटेज एंड हैंडलूम इंडस्ट्री, और जो भी कॉटेज और हैंडलूम इंडस्ट्री जो बंद हो गई थी उन्हें भी उन्होंने वापस से स्टार्ट करवाया। ठीक है, तो मॉडरेट लीडर्स का कहीं ना कहीं ये भी एक था कि वो लोग पूर्ण स्वराज के पक्ष में जहां तक नहीं होते थे, उनको ये लगता था कि उनकी भी कुछ सरकार, उनकी भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, मॉडरेट लीडर्स के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया के
वो ब्रिटिश सरकार के अंदर रहेंगे तो चीजें जो है वो साथ में मिलजुल के की जाएगी। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट होते थे वो चाहते थे कि पूर्ण स्वराज हो, ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में रहे ही ना। ना मेथड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, मेथड्स क्या क्या थी एक्सट्रीमिस्ट की? पहली थी बॉयकॉट। ऑन 7 अगस्त 1905 अ बिग मीटिंग हेल्ड एट द टाउन हॉल कलकत्ता रिवॉल्टेड टू बाइकॉट द परचेज ऑफ फॉरेन गुड। तो 7 अगस्त 1905 में एक बड़ी मीटिंग रखी गई जो कि टाउन हॉल में थी कोलकाता में, और वो ये थी कि जितने भी फॉरेन गुड्स हैं, जितने भी बाहर का सामान है, उसे सारा के सारा बाइकॉट किया जाए, उसे बिल्कुल भी यूज ना किया जाए। द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। स्टूडेंट वर कॉल्ड अपॉन टू बाइकॉट स्कूल एंड कॉलेजेस रन बाय द गवर्नमेंट। साथ के साथ ये पूरा के पूरा जो मूवमेंट था ये पूरे कंट्री में स्प्रेड हो गया, और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी, जो स्कूल थे जहां पे फॉरेन एजुकेशन दिया जाता था, गवर्नमेंट कॉलेज थे जहां पे फॉरेन एजुकेशन दिया जाता था, उन्होंने उस चीज को भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। फोर फोल्ड प्रोग्राम वॉज एडॉप्टेड, और इसमें फोर फोल्ड प्रोग्राम जो था उसे अडॉप्ट किया था। एंड वॉट इज दिस फोर फोल्ड प्रोग्राम? रिनाइजेशन ऑफ इंग्लिश क्लोथ, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा। मीन्स जो भी इंग्लिश क्लोथ थे, अंग्रेजी कपड़े थे, जो वहां का बाहर से नमक आता था, शुगर आती थी, इन सबको बंद किया जाए। एबजर्निंग ऑफ इंग्लिश स्पीच, इंग्लिश स्पीच को बंद किया जाए। मीन्स इंग्लिश समझने के लिए वो लोग बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट नहीं थे, क्योंकि इंग्लिश समझ कर ही उन्हें समझ में आता था कि पॉलिटिक्स में आखिर में चल क्या रहा है, ठीक है। लेकिन वो लोग पूरे इस चीज के खिलाफ थे कि कोई भी इंग्लिश स्पीच नहीं देगा, जो भी बोला जाएगा हिंदी में बोला जाएगा। रेजिग्नेशन ऑफ ऑनरी ऑफिस एंड ए सीट ऑफ काउंसिल्स, और जो भी ऑनरी ऑफिस में जो भी ब्रिटिशर्स बैठे हैं उनका क्लियर रेजिग्नेशन दिया जाए। सोशल बॉयकॉट अगेंस्ट पर्सन परचेजिंग फॉरेन आर्टिकल, और उन लोगों का भी बॉयकॉट किया जाए जो लोग फॉरेन आर्टिकल जो है वो खरीद रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्वदेशी। इन ऑर्डर टू हिंडर द ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट, पीपल वर आस्ट टू यूज गुड्स मेड इन इंडिया एंड नॉट टू यूज एनी मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। सो स्वदेशी के अंदर एक और चीज चलाई गई कि जो भी फॉरेन गुड्स हैं उसको टोटली उनका मैन्युफैक्चर भी बंद कर दिया जाए, और सिर्फ इंडिया में जो बनी चीजें हैं सिर्फ उसी का यूज किया जाए। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्सटाइल मिल, नेशनल बैंक्स, हॉजरी, सोप फैक्ट्रीज, टैनरीज, केमिकल वर्क्स, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और साथ के साथ स्वदेशी मूवमेंट में इस्टेब्लिशमेंट होने लगा कपड़ों की इंडस्ट्री का, नेशनल बैंक का, होजरी के आइटम्स का, सोप फैक्ट्री का, और डिफरेंट डिफरेंट चीजों का भी। स्वदेशी स्टोर वर ओपन्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय पेट्रियटिज्म, पीपल प्रिफर्ड कॉस्टली इंडिजीनियस गुड्स टू बेटर एंड चीपर फॉरेन गुड्स। तो जब स्वदेशी स्टोर्स ओपन हुए तो भले वो सब चीजें जो थी वो थोड़ी ज्यादा महंगी थी, तो उन लोगों ने फिर भी उन महंगी चीजों को खरीदना ज्यादा प्रेफर किया बजाय सस्ते फॉरेन गुड्स के। आर्टिकल, सॉन्ग्स एंड बॉनफायर्स कैप्ट अलाइव द मूवमेंट, और इसी तरीके से जो आर्टिकल्स जो थे जो न्यूज़पेपर्स में इंस्क्रिप्ट होते थे, सॉन्ग्स जो थे, बॉनफायर्स जो थे, वो इन सब चीजों ने जो मूवमेंट था उसको लाइवली रखा। फॉरेन शॉप्स वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड, और जितने भी फॉरेन शॉप्स थे और फॉरेन सामान थे, बाहर के सामान थे, उन सबको लूटा जाता था और उनको खत्म कर दिया जाता था। नाउ नेशनल एजुकेशन थर्ड इज, इंडियन लीडर्स रिकमेंडेड नेशनल यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। नेशनल स्कीम्स ऑफ एजुकेशन वॉज स्ट्रक्चर्ड, इंडियन रन स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश ग्रेजुअली।